साल पहले ये चल रही हमारी पार्टी पहले चारू तिवारी सर हमारे बीच में है, सौभाग्य है। तो यहाँ पर भट पार्टी चल रही है, आनंद ले रहे हैं सब लोग। अब भी आवाज आती है, जाड़े का मौसम है, पहाड़ों में भट चलते हैं, चुकानी बनती है और इसे बनते हैं, इसके डुबके भी बनते हैं और स्वादों से ज्वाला भी बनता है। और इस समय हम जो नेचुरल ये भट जो खा रहे हैं भून के खा रहे हैं। निर्मल भट्टाचार्य जी बहुत लंबे टाइम मीटिंग मिल रहे हैं आज, बहुत लंबा जनाब है जी, हम जमुना प्रसाद तिवारी जी से सब लोग जाते हैं नामल और पर्यावरण जगह जो तू लगाओ उसका भट देखो, भटला हमारे पर्यावरण जगह जुड़ी हुई है। आज रात में बोला बहुत पुरानी नई दगड़ी कसू मिल पड़ी हमारी कनाडा बेटी है, हमारी दगड़ी मुकेश जी थी जो वहाँ वहाँ सतपुरी थी, जरा जरा कुमाऊं जी समझ जाली मटपाल जी से हमार कमल मटपाल जी। और आज अपन जो कौन की हम दुरार भी जो भाज में जरना है, लेकिन आज अपन पुराना गाँव मुझे और हम और आज हम बहुमत में ले जू तो आज तिवारी जी जरा हमारे टांग टांग की और आज हम उन्हें भजाई मटपाल का तो भट पार्टी चल रही है। आप देख सकते हैं बढ़िया चूल्हे में जो भट होता है, पहाड़ी एक लेग्यूम है, एक पौधा है जिससे दाल बनती है, तो काफी फेमस है ये, काफी अच्छा प्रोटीन और फाइबर इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो सब लोग चूल्हे में उसको पहले भूंजा जाता है तवे में और उसके बाद उसको मूंगफली की तरह खाया जाता है। तो काफी प्रोटीन रिच ये लेग्यूम माना जाता है, फली के रूप में होता है। आप देख सकते हैं कि चारू तिवारी जी हमारे बीच में हैं, मुकेश जी हैं, कमल जी हैं, निर्मल मटपाल जी हैं, हमारे राधा स्टेशनरी जी के मनोज मटपाल जी हैं। तो ये सब लोग शाम को बैठ करके यहाँ पर भट पार्टी का आयोजन किया गया है। तो बहुत ही एक हम आज बहुत लंबे टाइम बाद जमुना प्रसाद त्यागी वहाँ भैरी हमारे नान भैज जसला है, पैदी का बेटी मासाफ है, मासाफ है हिसाब बहुत सीनियर है, जानकारी हिसाब बहुत सीनियर है। और हम आज ये आयो तो यह बहुत बड़ी हो कि पुरान दगड़ी नई दगड़ी हमें यहाँ जतूर बैठक लगनी जतूर पैरी में आण खात होनी है, यह भट दगा होनी है, यह भट दगा हमारा। तो उसी की आज याद ताजा हो रही है, आप भी देख सकते हैं। तो इस तरह से इसको चूल्हे में भूंजा जा रहा है और इसमें काफी लोग इसमें राख भी डालते हैं, राख के साथ भी उसको भूंजा जाता है ताकि वो तवे में जले नहीं। यहाँ पर राख उपलब्ध नहीं है तो उसको तवे में ही सीधे बनाया जा रहा है और बड़ी सुंदर आंच में उसका आनंद लिया जा रहा है। साथ में विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं हो रही हैं और बड़ा आनंद का माहौल यहाँ पर भट पार्टी में आप देख सकते हैं। और साथ में जो ये भट खाए जाते हैं, भट में आपको साथ में नमक भी इसमें मिलाया जाता है और जो नमक होता है वो घर का पीसा हुआ नमक इसमें प्रयोग किया जाता है, जो सिलवट्टे में जो पीसा जाता है, इसमें वो वाला सामान्य नमक हम प्रयोग नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आनंददायक माहौल है। शाम के समय लोग बैठते हैं, चर्चाएं होती थी, पहले से पहेलियां हुआ करती थी और विभिन्न प्रकार की कहावतों पर चर्चा हुआ करती थी। तो इसी माहौल में पहले गाँव में लोग इस तरह से भट को आप देख सकते हैं कि भट जब भूंजे जाते हैं तो बीच में वो चट चट करते हैं, तो इसका संकेत देते हैं कि हम अब पकने वाले हैं। वो बहुत ज्यादा उसको पकाया भी नहीं जाता, नहीं तो जल जाते हैं। तो बहुत सुंदर आप देख सकते हैं चूल्हे की आंच में ये बनता है, गैस में इसका वो टेस्ट नहीं आता है, आप चूल्हे में ही इसको बना सकते हैं। आप देखिए बीच बीच में वो पकने लग गए तो हल्के से फटने लग गए हैं वो भट बीच बीच में। तो इस तरह से फिर इनका जो टेस्ट होता है बड़ा यूनिक टेस्ट होता है, चटनी भी बनती है इसकी भूंज के और काफी व्यंजन इससे बनाए जाते हैं। और जो चूल्हे की आंच है उसका एक इम्पोर्टेंस ही अलग हो जाता है। वो आप देख सकते हैं इसमें, आप भट्टों को आप देख सकते हैं वो चट चट करते हुए, उनकी बाहर की जो कवर है सीट कोट जो है वो अलग हो रही है। ये नमक आ गया, अब देखिए ये जो नमक है ये सिलपट्टे का सिला हुआ लहसुन धनिया इत्यादि मिलाकर के बेहतरीन नमक बनाया गया है और यही एक पारंपरिक नमक हमारा जो पहाड़ी लूण जिसको कहते हैं वो इसमें मिलाया जाता है। आप देख सकते हैं मुकेश जी कनाडा से हैं, आप देख सकते हैं वो बढ़िया उसका टेस्ट ले रहे हैं। अब उनको बताया गया कि आप नमक भी इसमें लगाई है तो बढ़िया नमक के साथ उन्होंने बताया कि बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, उनको अच्छा लगा वो। तो चारू तिवारी सर तो पहाड़ की आत्मा से परिचित हैं, उनको सब ये सब चीजें जानकारी हैं। तो कमल भाई भी इसका आनंद ले रहे हैं, इधर निर्मल मटवाल जी और मनोज मटवाल जी भी आनंद ले रहे हैं, खुद हंसी मजाक ठहाका पुरानी यादें ताजा सब लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से शाम को एक भट पार्टी आप देख सकते हैं, स्पेशल पार्टी, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं इस भट पार्टी को। आप देख सकते हैं नमक और भट, इसको गरम गरम ही खाया जाता है, अगर ये ठंडा हो गया तो फिर इसका वो टेस्ट नहीं रहता है कि आप इसको, इसलिए इसको गरम खाया जाता है, गरम गरम इसमें जैसे मूंगफली गरम करके खाई जाती है वैसे ही इसका टेस्ट होता है। और खूब हंसी मजाक के साथ इस पार्टी का एंजॉय किया जा रहा है और विभिन्न चर्चाएं हो रही हैं, पुरानी यादें
ताजा की जा रही हैं, तो और सब लोग इसका अपना आनंद ले रहे हैं। काफी दिनों में, काफी लंबे समय के बाद सब लोग आपस में मिले हुए हैं, तो एक अलग माहौल है, एक खुशनुमा माहौल है। तो इस तरह से अपनी पहाड़ की परंपराएं, हमारी जो संस्कृति है, उन चीजों को भी हमें समझना पड़ेगा, और इन भट्टों के बारे में, घोत के बारे में, यहाँ के पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में हमें अपनी नई पीढ़ी को भी बताना पड़ेगा। तो ये हमारा जो कल्चर है, इस तरह से आगे जा सकता है। आप देख सकते हैं चारू तिवारी सर बहुत आनंद ले रहे हैं, भट्टों का फुल एंजॉय वो भट्टों के साथ कर रहे हैं। आज जमुना चोर में बहुत पुरानी याद आली, आल गोवा डालबे खाजी, वो सब भट भुटबे खानी और पिनाव शाव सगड़ में डालबे खाजी, आओ पुराने दिन याद ही मौज होगा।